हेलो स्टूडेंट्स, दैया नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है जो न्यू टॉपिक है वो है पोजीशन। पोजीशन का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए पेशेंट व्हाइल गिविंग द एनिमा? एनिमा देते वक्त कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? ए राइट लेटरल, बी लेफ्ट लेटरल, सी फाउलर, डी सुपाइन। इसका होगा बी लेफ्ट लेटरल पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द मोस्ट कॉमन क्लाइंट पोजिशन यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लिनजिंग एनिमा? एनिमा के टाइम कौन सी पोजिशन देते हैं? ए लेथोटोमी पोजिशन, बी सुपाइन पोजिशन, सी प्रोन पोजिशन, डी सिम लेटरल पोजिशन। इसका होगा आंसर डी सिम लेफ्ट लेटरल पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रिपरेशन फॉर एबडोमिनल सर्जरी ए पेशेंट हैज़ एडमिनिस्टर्ड अ प्री ऑपरेटिव एनिमा। द पोजिशन ऑफ ए पेशेंट फॉर दिस एनिमा शुड बी ए लिथोटोमी पोजिशन, लेफ्ट लेटरल, सिम पोजिशन, टेंडरबर्ग पोजिशन, सेमी फाउलर पोजिशन। इसका बी लेफ्ट लेटरल सिम पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोजिशन शुड बी द नर्स प्लेस द इन्फेंट टू एग्जामिन द थायरॉयड ग्लैंड? थायरॉयड ग्लैंड को एग्जामिन करने के लिए कौन सी पोजिशन देते हैं? ए प्रोन पोजिशन, बी सुपाइन पोजिशन, सी स्टैंडिंग पोजिशन, डी सिटिंग पोजिशन। इसका आंसर होगा बी सुपाइन पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन इज यूज्ड इन दी सर्जरी। किसकी सर्जरी में मुस्लिम प्रेयर पोजीशन यूज होती है? ए लेप्रोस्कोपी, बी लेप्रोटोमी, बी लेंजोटोमी, सी डी लेमिनेक्टोमी। इसका होगा मुस्लिम प्रेयर पोजीशन में डी लेमिनेक्टोमी। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन लाइक मुस्लिम डूइंग प्रेयर सिमिलर टू द नी एल्बो पोजीशन यूज ड्यूरिंग लेमिनेक्टोमी सर्जरी। लेमिनेक्टोमी सर्जरी के लिए यूज़ होती है ये पोजीशन, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन या नी एल्बो पोजीशन। लोग गोलिंग यूज्ड आफ्टर द लेमिनेक्टोमी सर्जरी के लिए के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी एल्बो पोजीशन इज यूज्ड फॉर। नी एल्बो पोजीशन किसके लिए यूज होती है? ए लंबर लेमेक्टोमी, बी हेमरोइडेक्टोमी, सी हेस्ट्रेक्टोमी, डी कोलिसिस्टेक्टोमी। इसका होगा ए लंबर लेमेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन पेशेंट इज नॉट लेइंग डाउन? कौन सी ऐसी पोजीशन जिसमें कि पेशेंट नॉट लेइंग डाउन, मतलब नॉट लेइंग लेटता नहीं है? ए टेंडलबर्ग पोजीशन, बी सिम पोजीशन, सी फाउलर पोजीशन, डी रोज पोजीशन। टेंडलबर्ग पोजीशन में भी सीधा लेटना होता है, फाउलर पोजीशन में भी, सिम पोजीशन में। इसका आंसर होगा सिम। एक्सेप्ट सिम पोजिशन इज ए फॉरवर्ड साइड लाइन पोजिशन, क्योंकि सिम पोजिशन में कौन सी पोजिशन होती है? साइड लाइन पोजिशन होती है। सो पेशेंट रेस्ट साइड एंड द एबडोमन इन ऑल अदर पोजिशन पेशेंट लाइंग डाउन। और जितनी पोजिशन थी उसमें लेइंग डाउन करता है पेशेंट, लेकिन इसमें सिम पोजिशन में साइड लाइन पोजिशन पे लेटता है विद साइड एंड एबडोमन के उस पर। पेशेंट रेस्ट ऑन साइड एंड एब्डोमन। इन टेंडलबर्ग पोजीशन पेशेंट लाइंग डाउन विद हेड लोअर देन द फीट। इन फाउलर पोजीशन पेशेंट शुड लेइंग ऑन द बैक विद द हेड एलिवेटेड 30 to 90 degrees। इन रोज पोजीशन पेशेंट लेइंग फ्लैट डाउन एंड हेड इज अलाउड टू द हैंग over the end of the operating table to prevent aspiration of blood during the surgery on mouth and lips.
माउथ की या लिप्स की कोई सर्जरी करते वक्त रोज़ पोजीशन देते हैं कि वो ब्लड को एस्पिरेशन ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पेशेंट लेइंग ऑन हिज बैक विद वन पिल्लो अंडर द हेड इज़ कोल्ड, कौन सी पोजीशन में वन पिल्लो अपने हेड के नीचे लगाता है। ए टेनलेनबर्ग पोजीशन, बी जेनोपेक्टोरियल पोजीशन, सी लेमिनेक्टोमी पोजीशन, डी इरेक्ट पोजीशन। इसका क्या होगा, सी लेमिनेक्टोमी पोजीशन में। लेमिनेक पोजीशन इज द डोर्सो सैक्रल पोजीशन इन इज अ पोजीशन इन विच द पेशेंट लाई ऑन द बैक वन विद वन पिलो अंडर द हेड, थाई आर फ्लेक्स्ड ऑन द एब्डोमन एंड लेग फ्लेक्स्ड ऑन द थाई ऑन थाई एंड थाई एबडक्टेड। इन जेनो पेक्टोरियल पोजिशन नी चेस्ट पोजिशन पेशेंट लाइन ऑन प्रोन एंड नी एंड चेस्ट। इन टेंडलबर्ग पोजिशन में पेशेंट लाइन ऑन हिज बैक विद बट विदाउट पिल्लो, टेंडलबर्ग पोजिशन में लेइंग ऑन बैक होता है पर विदाउट पिल्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमिनेक्टोमी पोजिशन इज यूज टू ऑपरेशन ऑन, किस चीज़ के ऑपरेशन के लिए लेमिनेक्टोमी पोजीशन देती है। विजाइनल पेरिनियम एनल कैनाल डी ऑल ऑफ दीज, इसका होगा डी ऑल ऑफ दीज। लेमिनेक्टोमी पोजीशन इज यूज्ड इन दी जेनाइटल ट्रैक ऑपरेशन, विजाइनल हेरेक्टोमी, रेक्टल या गायनेकोलॉजी एग्जामिनेशन एंड डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज अंडर द यूरेथ्रा एंड ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोटोमी पोजीशन इज गिवन टू पेशेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, कौन सी उसमें कंडीशन में लिथोटोमी पोजीशन नहीं देते। विजाइनल डिलीवरी, बी एनिमा, सी रेक्टल एग्जामिनेशन, डी कैथराइजेशन। इसका होगा बी एनिमा। एनिमा देते वक्त कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, लेटरल लेफ्ट लेटरल पोजीशन या सिम लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग पेरिनियल ऑपरेशन पेशेंट आर कीप्ड इन, पेरिनियल ऑपरेशन करते हैं पेशेंट आर कीप्ड इन कौन सी पोजीशन में पेशेंट को रखते हैं। ए रिक्यूम्बेंट पोजीशन, बी लिथोटोमी पोजीशन, सी टेनलेनबर्ग पोजीशन, डी सिम पोजीशन। ड्यूरिंग पेरिनियल ऑपरेशन करते हैं तो कौन सी पोजीशन रखते हैं, बी लिथोटोमी पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज मोस्टली रिकमेंडेड फॉर अ रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन रखते हैं। ए लिथोटोमी पोजीशन, बी प्रोन पोजीशन, सी डोर्सल रिक्रूबेंट पोजीशन, डी सिम पोजीशन। कौन सी करते हैं रेक्टम एग्जामिनेशन के, डी सिम पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड अ नर्स पोजीशन अ पेशेंट फॉर अ क्लोनोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी टेस्ट के लिए कौन सी पोजीशन रखते हैं। ए टू ले द पेशेंट ऑन हिज हर राइट साइड ऑफ द बॉडी विद द लेग स्ट्रेट, बी टू ले द पेशेंट ऑन हिज हर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी with the leg bent, to lay the position, lay the patient in knee chest position, to lay the patient prone with the buttock elevated। कौन सी पोजिशन यूज़ करते हैं इसमें, इसमें यूज़ करते हैं to lay the patient on his her left side of the body with the leg bent। Next question, sigmoidoscopy done in which position, सिग्मोइडोस्कोपी करते वक्त कौन सी पोजीशन रखते हैं। लिथोटोमी पोजीशन, जैक नाइफ पोजीशन, फाउलर पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। इसमें रखते हैं नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन आल्सो नोन एज ए जेन्यू पेक्टोरियल पोजीशन यूज्ड फॉर एग्जामिन ऑफ द रेक्टम एंड विजाइना फॉर सिग्मोइडोस्कोपी
फॉर पोस्टपार्टम एक्सरसाइज एंड लंबर लेमिनेक्टोमी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ एनी चेस्ट पोजिशन, अभी ऊपर बताया था, क्या है उसका? बी यूनो पेक्टोरियल पोजिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोन पोजिशन रेफर टू दी, प्रोन पोजिशन कौन सी मानी जाती है? ए पेशेंट लाई ऑन द फ्लैट ऑन एब्डोमन विद द हेड टर्न्ड वन साइड. द पेशेंट लाई फ्लैट ऑन एब्डोमन विद द नी फ्लेक्स्ड. नेक्स्ट सी, द पेशेंट लाई ऑन हर लेफ्ट पोजिशन विद द हेड एंड राइज. डी, द पेशेंट लाइज ऑन हर लेफ्ट लेटरल पोजिशन विद द हेड एंड राइज. इसका आंसर होगा प्रोन पोजिशन कैसे होते हैं. द पेशेंट लाई ऑन फ्लैट ऑन एब्डोमन विद हेड टर्न्ड ऑन वन साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट फॉर द प्रोन पोजिशन. प्रोन पोजिशन के लिए कौन सी पोजिशन है? ए सिटिंग अपराइट, बी लेइंग ऑन द साइड, सी लेइंग ऑन द बैक, डी लेइंग ऑन द एब्डोमन. इसका होगा डी लेइंग ऑन द एब्डोमन. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड क्रेडल इज अ कंफर्टेबल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पेशली फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम. बेड क्रेडल किसके लिए यूज होता है? ए फीवर, बी डायरिया, सी बर्न, डी इनकॉन्टिनेंस. ये क्या होगा? सी बर्न के लिए. बेड क्रेडल होता है, बेड क्रेडल इज द लाइट वेट फ्रेम प्लेस्ड ओवर द बेड एंड द पेशेंट टू टेक ऑफ द वेट ऑफ द टॉप बेड लिन बेड क्लोथिंग. जो बेड क्लोथिंग होती है उसके ऊपर वाले को होल्ड करने के लिए ये बेड क्रेडल यूज होता है बर्न पेशेंट में. इट इज़ ए प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट प्रेशर और ए इंजरी और ए बर्न एरिया. नेक्स्ट, बेड क्रेडल इज यूज्ड टू, बेड क्रेडल क्यों यूज़ करते हैं? रिड्यूस द वेट ऑफ टॉप लिनन, बी स्विंग द पेशेंट, सी इनफॉर्म अदर फॉर ए पेशेंट प्रेशर, मेक बेड लुक अट्रैक्टिव. ए रिड्यूस द वेट ऑफ ए टॉप लिनन. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन लंडबर्ग पोजिशन फॉर ए सर्जरी ऑफ द पेल्विक ऑर्गन इज करेक्टराइज बाय. टेन लैंडबर्ग पोजिशन फॉर ए सर्जरी, किसकी सर्जरी के लिए ये पोजिशन दी जाती है? पेशेंट लाई ऑन हीज लेफ्ट साइड विद पिल्लो अंडर द हेड. टेन लैंडबर्ग में पिल्लो नहीं लगाते तो इसका ये नहीं होगा. पेशेंट लाई ऑन हीज बैक विद द फुट एंड इज एलिवेटेड एट 45 degree एंगल. पेशेंट लाई ऑन हीज बैक विद द लेग एक्सटेंडेड. नेक्स्ट, पेशेंट लाई ऑन द बैक विद द फीट सपोर्ट एंड स्ट्रिप. नहीं, इसका होगा बी, पेशेंट लाइन ऑन हिज बैक विद द फुट एंड ऑफ एलिवेटेड होगा 45, फुट एंड इज 45 degree एंगल पर. इन टेन लैंडबर्ग पोजिशन द फुट एंड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड, द हेड एंड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड. इसमें क्या होगा? इसका होगा ए, द फुट एंड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट इज गिविंग द फॉलोइंग पोजिशन ड्यूरिंग द एबडोमिनल एंड पेल्विक सर्जरी. एबडोमिनल और पेल्विक सर्जरी के लिए कौन सी पोजिशन दी जाती है? ए लिथोटोमी पोजिशन, बी डोर्सल रिक्रूटमेंट, सी टेन लैंडबर्ग, डी सिम. इसका होगा सी, टेन लैंडबर्ग पोजिशन दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट पोजिशन टू मेंटेन फॉर अ पेशेंट वो सो साइन ऑफ शॉक. साइन ऑफ शॉक करते हैं उसमें कौन सी पोजिशन दी जाती है? ए मॉडिफाइड टेन लैंडबर्ग, बी लिथोटोमी, सी रिवर्स टेन लैंडबर्ग पोजिशन, डी सुपाइन. इसका होगा ए मॉडिफाइड टेन लैंडबर्ग पोजिशन, क्योंकि इसमें कितना होता है, जैसे बीपी होता है वो 90 से नीचे चला जाता है शॉक में, तो उसमें ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, इसलिए हम टेन लैंडबर्ग पोजीशन देते हैं कि ब्लड प्रॉपर ब्रेन तक पहुंच पाए. इन मॉडिफाइड टेन लैंडबर्ग पोजीशन ऑफ द ओनली लेग आर एलिवेटेड, इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर ए शॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन, 378 पोजीशन यूज्ड फॉर ए प्रमोट एम्प्टी ऑफ गट. गट को एम्प्टी करने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है? ए साइलेंट पोजीशन, बी प्रोन पोजीशन, सी लिथोटोमी पोजीशन, डी रिवर्स टेन लैंडबर्ग पोजीशन. इसका होगा डी रिवर्स टेन लैंडबर्ग पोजीशन.
In reverse Tandenberg position, the trunk and head of the patient are elevated above the pelvic and the lower extremities. Next question. A patient has a dyspnea, should be placed in. एक पेशेंट है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, शुड बी प्लेस्ड इन, कौन सी पोजीशन में उसे रखेंगे? ए सिम पोजीशन, बी लिथोटोमी पोजीशन, सी सुपाइन पोजीशन, डी ऑर्थोपैनिक पोजीशन. डी ऑर्थोपैनिक पोजीशन में रखेंगे क्योंकि उसे पहले डिस्कम्फर्ट हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में. सुपाइन पोजीशन नहीं रखेंगे. लिथोटोमी पोजीशन नहीं. लिथोटोमी पोजीशन किस में होती है? विजाइनल एग्जामिनेशन में, डिलीवरी में. और सिम पोजीशन यही होती है एनीमा के दौरान, एनीमा देते वक्त या रेक्टल एग्जामिनेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑर्थोपैनिक पोजीशन इज ए अपराइट और ए नियर अपराइट पोजीशन. अपर ट्रंक ऑफ द पेशेंट इज फैसिलेट ब्रीथिंग इन डिस्पनिया एंड कोग्निटिव हार्ट फेलियर में भी यही पोजीशन दी जाती. कौन सी? ऑर्थोपैनिक पोजीशन. सम फॉर्म ऑफ ए पल्मरी कोई भी डिजीज हो उसमें भी ऑर्थोपैनिक पोजीशन दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ऑर्डर्स टू अफेसिलेट ब्रीथिंग वाइल रिपोजिशनिंग अ पेशेंट विद अ इम्फाइसीमा, विच अमोंग द फॉलोइंग पोजिशन फैसिलेट मैक्सिमम एयर एक्सचेंज. इम्फाइसीमा यानी कोई रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी को, तो उसको कौन सी पोजीशन दी जाती है? जैसे इम्फाइसीमा हो गया या सीओपीडी का पेशेंट हो, उसमें ए सुपाइन पोजीशन, बी ऑर्थोपैनिक पोजीशन, सी लोअर फाउलर पोजीशन, डी सिम फाउलर पोजीशन. इसका आंसर होगा बी ऑर्थोपैनिक पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू फैसिलेट ब्रीथिंग ऑफ अ पेशेंट फॉलोइंग पोजीशन में बी गिवन. कौन सी पोजीशन दी जाती है ब्रीथिंग, टू फैसिलेट ब्रीथिंग ऑफ द पेशेंट कि वो ब्रीथिंग अच्छे से कर पाए पेशेंट? ए फाउलर पोजीशन, बी रिक्रूबेंट पोजीशन, सी राइजिंग ऑफ ए फुट एंड सुपाइन पोजीशन. इसका होगा ए फाउलर पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं एक बार. इन फाउलर पोजीशन सेमी सीटिंग पोजीशन होती है. हेड एंड बेड इज एलिवेटेड टू द डिज़ायर हाइट. यूजुअली कितनी हाइट रखते हैं? 45 डिग्री टू 60 डिग्री टू प्रोड्यूस एन एग्लूनेशन ऑफ द बॉडी एंगल को मेंटेन करने के लिए. इट इज़ यूज्ड टू फैसिलेट ब्रीथिंग एंड ड्रेनेज ऑफ फॉर द कम्फर्ट ऑफ द बेड रिडन पेशेंट वाइल ईटिंग और टॉकिंग के लिए भी कौन सी पोजिशन रखते हैं? फाउलर पोजिशन. यूजली कितना मेंटेन करते हैं? 45 टू 60 डिग्री. फाउलर पोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप की होती है फाउलर पोजिशन. हाई फाउलर पोजिशन होती है, पहले तो सिटिंग अपराइट और ए बेड अबव द 60 डिग्री एलिवेशन होता है, उसे बोलते हैं हाई फाउलर पोजिशन. रेगुलर जो हम फाउलर पोजिशन देते हैं हेड और ए टोर्सो एलिवेटेड करते हैं, उसमें होता है 45 डिग्री और ए मोर. और लोअर और ए सिम लोअर फाउलर पोजिशन, उसमें क्या होता है? हेड एंड टोर्सो एलिवेट करते हैं 30 डिग्री पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज गिवन टू द पेशेंट विद सीवियर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी. ज़्यादा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है तो कौन सी पोजीशन देते हैं? ए डोर्सल रिक्रूमेंट, बी फाउलर, सी सुपाइन, डी टैंडेनबर्ग पोजीशन. इसमें होगा बी फाउलर पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पेशेंट इज एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन अ ब्रीथिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजिशन टू प्लेस हिम हर इन इज. डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है तो कौन सी पोजीशन देंगे? ए सिम पोजीशन, बी डोर्सल रिक्रूमेंट पोजीशन, सी लेटरल पोजीशन, डी फाउलर पोजीशन. इसका होगा डी फाउलर पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चिल्ड्रन इज एडमिटेड टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ डिस्पनिया. मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, ब्रोंकोस्पाज़म है, मतलब कि ब्रोंको जो वो है वो नैरो हो गई है. The nurse should be placed the client in which of the following position? A high fowler position, B sideline position, C prone position, D supine position.
इसका होगा ए हाई फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गिव अ फाउलर पोजीशन टू द पेशेंट द हेड एंड ऑफ द बेड इज राइज्ड, हेड ऑफ द बेड इज राइज्ड, कितना राइज करते हैं? रेगुलर हम जो राइज करते हैं वो होता है डी 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री होता है हाई फाउलर पे, 35 होता है नॉर्मल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन शुड बी गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर लंबर पंचर, लंबर पंचर के बाद कौन सी पोजीशन देते हैं? लंबर पंचर के दौरान कौन सी पोजीशन देते हैं? सी पोजीशन देते हैं या सीटिंग पोजीशन देते हैं। और लंबर पंचर के बाद पूछा इन्होंने, शुड बी गिवन आफ्टर लंबर पंचर के बाद ए फ्लैट पोजीशन, बी साइड लाइंग पोजीशन, सी फाउलर पोजीशन, डी प्रोन पोजीशन। इसमें देते हैं ए फ्लैट पोजीशन, फ्लैट सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रोसीजर यूज द लेटरल साइड लाइन पोजीशन, पोजीशन ऑफ द बैक प्रोड एट द एंड ऑफ द टेबल, नी फ्लेक्स्ड अप टू एब्डोमन और चिन एंड चेस्ट, आफ्टर द प्रोसीजर प्लेस ऑन द सुपाइन पोजीशन फॉर 2 to 12 ओवर। ए पेशेंट इज शेड्यूल फॉर ए राइट टोटल हिप रिप्लेसमेंट, हुई है कौन सी राइट टोटल हिप। द नर्स शुड टीच विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट ऑपरेटिव लेग पोजिशन, कि ऑपरेशन के दौरान या सर्जरी के बाद हमें कौन सी पोजिशन रखनी है, मेंटेन रखनी है। मेंटेन लेग ऑफ ए एडक्शन, मेंटेन लेग एबडक्शन, मेंटेन इंटरनल लेग रोटेशन, मेंटेन मोर देन 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन। इसका होगा बी मेंटेन दी लेग इन एबडक्शन पोजिशन में रखना है, ना ही तो लेग को क्रॉस करना है ना ही रोटेशन करना। वेन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ अ लिंब। नर्स शुड मेंटेन अ पेशेंट हु हैज अंडरगोन ऑफ ए राइट हिप प्रोस्थेसिस, सर्जरी हुई है राइट हिप की, तो कौन सी पोजीशन रखनी है। ए एबडक्शन, ए है एडक्शन, बी है एबडक्शन, सी है फ्लेक्शन, डी है नेचुरल। इसका होगा बी एबडक्शन पोजीशन रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे आफ्टर द टोटल हिप रिप्लेसमेंट वाइल प्रोवाइडिंग बेड पेन द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्ट टू। एक फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुई है, वाइल प्रोवाइडिंग बेड पेन दिया है उसे, तो पेशेंट यूरिन करने के लिए उसे बेड पेन दिया है, कैसे करेंगे। ए यूज द एल्बो ऑफ द हैंड लिफ्ट द पेल्विक ऑफ द बेड, बी एक्सटेंड द बोथ द लेग एंड पुल द ट्रेपेज टू लिफ्ट द पेल्विक, सी टर्न gently toward the operated side and lift the pelvic of the bed, flex the knee and operated leg, pull the trapeze to lift the pelvic। इसका आंसर होगा डी, flex the knee and operated the leg of, pull on the trapeze of the lift। जैसे कि पेशेंट ऐसे सुपाइन में लौटा है, अपने पीछे की बैक होती है, बैक के इस एरिए में को ट्रेपेज बोलते हैं, जैसे ये हो गया अपनी, जैसे कि ये हो गया पेशेंट हो गया, इसमें ये जो बैक का एरिया होता है इसको ट्रेपेज एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर अ वेंटिलेटेड पेशेंट टू प्रिवेंट द वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ए सिंपल रिकमेंड पोजीशन, बी सुपाइन पोजीशन, सी लेटरल पोजीशन, डी प्रोन पोजीशन। कौन सी पोजीशन हम देंगे, इसका होगा ए सिम रिकमेंड पोजीशन हम देंगे टू प्रिवेंट द वेंटिलेटर एसोसिएशन निमोनिया। इन अ वेंटिलेटेड पेशेंट सिम रिकमेंड पोजीशन देंगे 30 to 45 डिग्री एंगल पर टू बेस्ट रिकमेंडेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन ऑफ अ एक्सटेंशन इन इज यूज्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ।
ए किडनी के लिए, बी गॉल ब्लैडर के, सी अपेंडिक्स के लिए, डी ऑल ऑफ दीज। जब लेफ्ट एट्रल पोजीशन किसके लिए देते हैं? ए किडनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विद ए कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हैड अ डिमिनिश्ड गैग रिफ्लेक्स, द नर्स विल ए इंस्टॉल द आर्टिफिशियल टीयर, मेंटेन द साइडलाइन पोजीशन, ऑफर स्मॉल सिप ऑफ ए क्लियर फ्लूड, टेस्ट द क्रेनियल और नर्व्स, थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ। इसमें होगा बी मेंटेन द साइडलाइन पोजीशन। गैगिंग और ए वोमिटिंग रिजल्टिंग फ्रॉम इरिटेशन ऑफ ए थ्रोट एंड फेरनेक्स ऑफ द गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं। इन केस ऑफ डिमनिश ऑफ गैग रिफ्लेक्स द नर्स मेंटेन द साइडलाइन पोजीशन। साइडलाइन पोजीशन मेंटेन करेंगे कि कभी एस्पिरेशन ना कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेफरेंस पॉइंट फॉर अ मेजरमेंट ऑफ ए जुगलर वेन प्रेशर इज, JVP जुगलर वेन प्रेशर इज, ए स्टर्नल एंगल, सी GP स्टर्नम, बी निप्पल, डी सुप्रा रेट्रल नोच। इसका क्या होगा? इसका होगा ए स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल क्या होता है? स्टर्नल एंगल ग्रेटर देन 4। जो नॉर्मल जुगलर वेन प्रेशर होता है वो कितना होता है? 3 to 8। नेक्स्ट, व्हाट पोजीशन शुड बी नर्स प्लेस द हेड ऑफ द बेड ऑब्टेन्स द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द जुगलर वेन प्रेशर, जुगलर वेन डिस्टेंशन। ए हाई फाउलर, बी राइज 30 degrees, सी राइज 10 degrees, डी सुपाइन पोजीशन। इसका क्या होगा? इसका होगा राइज 30 degrees। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डायग्नोस्टिक टूल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।